नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े गोली चलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में तहसील के कर्मचारियों की गलती से हुई सीकरी लाल दरवाजे में गोलियों की बरसात। आदेश होने के बाद भी थाना फतेहपुर सीकरी से जमीन पैमाइश में पुलिस नहीं ली गई और दोनों पक्षों में लेखपालों कानूनों के सामने कहासुनी हो गई और दिन दहाड़े गोलियों की आवाज़ से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। दिन दहाड़े फायरिंग होने से आसपास के लोगों में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बना है। घायल व्यक्ति को फतेहपुर सीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा के SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर दबंग लोगों की तलाश कर रही है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है। फायरिंग का मामला क्या है? देखिए, फतेहपुर सीकरी में ग्राम दो हिस्सा में एक घटना कल शाम को घटित हुई थी। इसमें जमीनी विवाद था। एक राजस्व टीम गई थी जो वहाँ पे पैमाइश कर रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई और दूसरे पक्ष के पैर में फायर लगा। पुलिस को जैसी सूचना मिलती, पुलिस तत्काल मौके पहुंचकर तीनों ही आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करती। उनके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की जाती है और एक खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस भी मिलता है पुलिस को। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के द्वारा पूर्व में ही उनके खिलाफ 116 पाबंद वगैरह करा दिया गया था। राजस्व विभाग की टीम अकेली चली गई थी? हाँ, राजस्व विभाग की टीम गई थी, पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी। उससे हम बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा मतलब भविष्य में भी टीम जाए तो पुलिस को लेकर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।